अब रात के 7 बज रहे और मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बर्फी। ये ताज़ा नारियल है, मंदिर में तोड़ा था हमने, तो नारियल तो रह नहीं पाता इन दिनों में क्योंकि बारिश के दिन है, तो इसीलिए सोचा बर्फी बना ले। इस तरह से नारियल भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और एकदम टेस्टी टेस्टी बर्फी खाने को भी मिलेगी। और सबका मन भी है, दीपक का बहुत मन है, वो कब से बोल रहा है कि बर्फी बनाओ, उसे बहुत पसंद है ये बर्फी। तो नारियल मैंने कद्दूकस कर ले लिया है और यहाँ पर आधा लीटर दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध थोड़ा सा रह गया था, इसे हमें जमा देना है एकदम गाढ़ा सा दूध होने के बाद। फिर बाद में मैंने इसके अंदर एक कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है। फिर बाद में ये देखिए आधी कटोरी चीनी डाल दिए। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर चीनी डालने के बाद इसी तरह से हमें मिलाते हुए इसे पका लेना है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है अंदर और गैस धीमी है, फुल गैस पे नहीं बना। इसके रग रग में चीनी और दूध मिल चुका है तो हमारी बर्फी एकदम ठीक हो चुकी है। यहाँ पर हम थाली में आधा चम्मच घी लगा लेंगे ताकि ये बर्फी नीचे चिपके ना। अगर आपको ज़्यादा कड़क बर्फी चाहिए तो आप भी थोड़ा सा पका सकते हो ताकि इसका जो दूध थोड़ा थोड़ा सा है वो भी सारा जल जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया, थोड़ा थोड़ा सा ही गीला गीला है क्योंकि ज़्यादा कड़क बर्फी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी सी नरम ही पसंद है। और इस तरह से मैं इसे थाली में फैला दे रही हूँ। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। मैंने ऐसे यहाँ पर खिड़की में रख दिया है, हवा के कारण ही जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो फैन के नीचे भी रख सकते हो, जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने नींबू पकने के लिए रखे हैं क्योंकि नींबू की चटनी बहुत पसंद है सबको घर में, तो नींबू की चटनी मैं हमेशा बनाती ही रहती हूँ। तो नींबू अच्छे से पक चुके हैं तो इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ थाली में निकाल के। और इसके साथ में मैं हरी मिर्च भी इसी तरह से पका लेती हूँ, मगर हरी मिर्च नहीं डाली है, लाल मिर्च डाल के ही मैं आज नींबू की चटनी बनाऊँगी। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है पूरे आधे घंटे, तो इस तरह से इसके बीच में मैं कट लगा दे रही हूँ ताकि लेने में आसानी हो जाए। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और सुबह खाने के लिए ये तैयार हो जाएगी। अब सुबह के 9 बज रहे और दीपक कर ले रहा है ब्रेकफास्ट और साथ में बर्फी भी ले लिए, बहुत अच्छे से जम चुकी है बर्फी, रात भर फ्रिज में रखी हुई थी। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 9 बज रहे और अभी तक मेरी पूजा नहीं हुई है, बहुत लेट काम हो गया है। 9 बजे अभी भी नहा कर आ चुकी हूँ और आप करने वाली पूजा आज दिन गुरुवार का है, तो पूजा में आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है मुझे क्योंकि एक कथा होती है आज शहवाला का अभिषेक कथा, मुझे इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया और सारे कामों में लेट हो गए, नहीं तो इस तरह से 9 बजे में कभी नहीं नहाती हूँ, सुबह 7 बजे नहा लेती हूँ। बस कुछ एक एक कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ। पहले तो मैं कलसी भर लेती हूँ फिर बाद में पूजा करूँगी। और जो पीने का पानी था वो दीपक ने भर लिया है क्योंकि उसने आज जल्दी से नहा लिया और वही पानी भर के रख दिया है। और वो ब्रेकफास्ट कर रहा है क्योंकि उसे बनाकर दे दिया है पहले, क्योंकि उसे जाना है बाहर और मेरे तो ये काम चलते रहेंगे। और रोज़ बहुत भागा दौड़ी करती हूँ, 7-8 बजे पूजा होती है मेरी, मगर आज बहुत लेट हो गया, 9:30 बज रहे अभी पूजा नहीं हुई मेरी। आज नहाने में भी लेट हो गया, सारे कामों में भी लेट हो गया, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा उठने में लेट हो जाए ना तो ऐसा होता है। और रात के जो बर्तन थे वो भी मैंने रख दिए थे, सुबह ही मांग लिए, फिर सारे काम करते करते थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गए। तो अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है, रोज़ की नित्य पूजा हो चुकी है, फिर इधर शाही बाबा का अभिषेक भी हो चुका है और सब कुछ पूजा भी हो चुकी है। और ये समय आरती सब लगा दी है मैंने, अब कथा कर लेते हैं। कथा भी हो चुकी है, अब आरती कर लेते हैं। पूजा कथा करने में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया है। अब सुबह के 10:30 बज रहे, तो ये दूध भी रख दे रही हूँ मैं सामने।
तो यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के लिए मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी घी ले ली है। घी जैसे ही गर्म हो गया इसके अंदर हम डालेंगे आधी कटोरी सूजी और इसे धीमे गैस पे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मगर बहुत टेस्टी यह हलवा बनता है। इसे भूनने में 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, धीमी गैस पे हमें तसल्ली से इसे भूनना है। और इधर उसे चलाते हुए मैं इधर ये चाशनी भी रख देती हूँ। तो एक कटोरी मैंने भर के चीनी ले ली है, इसमें हम डालेंगे 4 कटोरी पानी। इधर मैं सूजी को भी देख रही हूँ और उधर चीनी भी मैंने घुलने के लिए रख दी है। तो ये देखिए चीनी भी अच्छे से घुल रही है, इसे भी हमें मिलाना है। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है और इधर सूजी भी भून रही है, सूजी का कलर चेंज हो चुका है। तब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमारी जो मिलाकर रखी हुई चाशनी है, इसके अंदर इस तरह से मिलाएंगे। और ये आपको कुछ ज़्यादा ही पतला दिख रहा है मगर ये जो पक जाता है ना धीमी गैस पे, हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। बहुत अच्छी हलवा बनेगा और एकदम टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बहुत स्वादिष्ट ये हलवा बनता है। तो ये देखिए कितना थिक हो चुका है ना। अब इसे 10 से 15 मिनट मैंने पका लिया है, अभी थोड़ी देर के लिए इसी तरह से ढककर धीमी गैस पर रख दूँगी। और अभी 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो सूजी का हलवा बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, मैंने कुछ नहीं डाला है। और ये बिल्कुल नहीं चिपकता है, बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट हलवा बनता है। तो चलिए अब भगवान को भोग लगा देते हैं। तो भगवान को भोग लगा दिया है, मैं दर्शन कर ले रही हूँ। भगवान को भोग लग गया है, अब हम भी कुछ भोग लगा लेते हैं, हम भी कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फलिया भून ली है और ये भी आए थे तो उन्हें मैंने दही चीनी दे दी है और कुछ फलिया भी खाकर वो गए हैं। और आते समय फल भी ले आए हैं, अनार है, चीकू है, केले वगैरह लिया है। मैं केला नहीं खाती, मुझे केला पसंद नहीं है तो उन्हें मैंने केला दे दिया है। दही चीनी सब खा लिया है उन्होंने और गैरेज चले गए फिर से। अब मैं खा ले रही हूँ, अब दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे। मैंने चाय बनाकर पी ली थी फिर बाद में कुछ भी नहीं खाया था, तो अब मैं फल खा ली। दीपक के लिए खिचड़ी बनाई थी, उसने बोला मुझे खिचड़ी खानी है तो उसे खिचड़ी बनाकर दे दी। तो उसने अभी भी खाकर वो भी बाहर चले। बज रहे दोपहर के 1 और दीपक के लिए खाना बना लिया था, बस हमारे लिए फल ले थे तो फल खा लिए हैं। चीकू, अनार और दही भी था, फ्रेश दही रात में ही जमा दिया था तो दही चीनी सब खा लिया है। तो सबका खाना पीना हो ही चुका है, अब रात में खाना बनेगा क्योंकि आज व्रत है, व्रत के दिन तो रात में ही खाना खा लेते हैं। तो अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यू वीडियोज़ में ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे।